उधार लेकर के ऋण लेकर के झूठी शान शौकत दिखाने की कोशिश मत करना। और आदमी यही कर रहा आज, आमदनी अठन्नी की ओर, बोलो बोलो, रुपया खर्चा रुपया, अब क्या होगा मेरे भैया। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अगर अगर चादर छोटी हो और पैर लंबे हो तो क्या करना चाहिए। चादर चादर छोटी हो पैर लंबे हो तो क्या करना चाहिए। कौन बोला पैरों को काट देना चाहिए। एक सवाल, अगर चादर छोटी हो पैर लंबे हो क्या करना चाहिए। समझदार लोग कहेंगे पैरों को सिकोड़ लेना चाहिए। यही बात तो तरुण सागर सत्संग में आने वाले भाइयों से, माताओं बहनों से कहते हैं, पुण्य की चादर बहुत छोटी है। पुण्य की चादर जो चाहो वो नहीं मिलेगा। इतना पुण्य नहीं है हमारा आपका, जितना चाहो उतना नहीं मिलेगा। इतना पुण्य नहीं है हमारा आपका, जब चाहो तब नहीं मिलेगा। इतना पुण्य नहीं है हमारा आपका। अरे चक्रवर्ती का पुण्य होता है वो जब चाहता है जितना चाहता है जैसे चाहता है उसको मिल जाता है। पर हम चक्रवर्ती नहीं है, हम चक्रवर्ती नहीं है, हम चक्रवर्ती नहीं है। इसके बाद भी हम अपने आप को चक्रवर्ती का बाप समझते हैं। चक्रवर्ती के चपरासी जैसी भी हमारी हैसियत नहीं है। चक्रवर्ती के चपरासी जैसी भी हमारी हैसियत नहीं है। इसके बाद भी हम अपने आप को चक्रवर्ती का बाप समझते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पुण्य की चादर छोटी है इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित करो, बस स्वर्ग तुम्हारे जीवन में उतर आएगा। तुम्हें किसी स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुण्य की चादर बहुत छोटी है इसलिए इच्छाओं को सीमित करो। इच्छाओं का क्या, दो इच्छाएं पूरी होती है चार इच्छाएं नहीं पैदा हो जाती। दो कामना पूरी होती है चार नहीं कामना पैदा हो जाती है। मुल्ला नसरुद्दीन बंबई जा रहा था, गांव के लोगों ने कहा देख तू बंबई जा रहा है, बंबई बहुत खतरनाक जगह है, वहां अच्छे अच्छे लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। मुल्ला ने कहा कि तुम मुझे क्या करना चाहिए। बोले करना क्या चाहिए, वहां तू दुकान पे कुछ भी लेने के लिए जाए तो वहां हर चीज के दुगने भाव बताते हैं, बस ध्यान रखने का। हर चीज के बम्बई में हर चीज के दुगने भाव बताते हैं, ये ध्यान रखना, सोच समझ के कुछ चीज लेना, हर चीज के दुगने भाव बताते। बोले ठीक है आपकी बात ध्यान रखूंगा। बम्बई गया, खाया खाया पिया घुमा फिरा, चार दिन बाद अपने घर की याद आई, घर चलने के लिए बरसात का मौसम था, बोले चलो एक छाता लेके चलते बम्बई आए, कुछ निशानी तो ले जाना पड़ेगी ना, बम्बई आए निशानी लेके चलेंगे ना तो याद रहेगा ना। बम्बई गए छाता के लिए, दुकान पर पहुंचा और बोला भाई साहब छाता मिलेगा क्या। मिलेगा, कितने में दोगे। 100 रुपए में। उसको याद आया हर चीज के दुगने भाव बताते। उसने कहा 50 में देना। 50 में दोगे क्या। दुकानदार बोला 50 में। पर दुकानदार बोला ठीक है भाई 50 रुपए में दे, देखो छाता आता नहीं है, ऐसा करो 40 रुपए 80 रुपए में ले लो। 80 रुपए, तुम पहले ग्राहक हो, बोनी खराब ना हो, इसीलिए तुमको ये 80 रुपए में देते हैं। मुल्ला बोला 40 में देना हो तो बात करो। हर चीज के दुगने बाप। दुकानदार बोला देखो भाई, ना तुम्हारी रही ना मेरी रही, ना तुम्हारी रही ना मेरी रही, 60 रुपए में छाता तुम्हारा पक्का। मुल्ला बोला 30 में देना हो तो बात बोलने का। अब तो दुकानदार चुड़ गया, कमाल का ग्राहक है, मैं 60 रुपए बोल रहा हूँ तो 30 रुपए बोलता है, वो चुड़ गया। आखिर में उसने बोला फ्री में ले जाओ फ्री में। मुल्ला बोला मिया फिर तो 2 देना पड़ेगा। इच्छाएं ऐसी होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है,
स्वामी मिल रहा था तो 50 में मांग रहा था, 80 में मिल रहा था तो 40 में मांग रहा था, 30 में मिल रहा था, 60 में मिल रहा था तो 30 में मांगने लगा, फ्री में मिल रहा था। तो इच्छाएं ऐसी होती है, पुण्य की चादर छोटी है, इसलिए इच्छाओं को समेटो, इच्छाओं को नियंत्रण में लाओ, इच्छाओं को कंट्रोल में लाओ। जो चाहो वो नहीं मिलेगा, जितना चाहो उतना नहीं मिलेगा, जब चाहो तब नहीं मिलेगा। अगर आदमी मानसिक रूप से तैयार रहे कोई तकलीफ नहीं, अगर आदमी परिस्थिति के अनुरूप अपनी मना स्थिति बना ले तो उसे कोई दुखी नहीं कर सकता है। परिस्थिति के अनुरूप अपनी मना स्थिति निवेदन किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए, ईमानदारी से इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक या दो बच्चे होते हैं, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार होता है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है और इसकी वजह से वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं और बाद में माँ बाप की नहीं सुनते। बाप को कहना पड़ता, मैं तेरा बाप कह रहा हूं, वो मुस्कुराता है सुन के, तो बाप ही तो कह रहे हो, कोई तोप तो नहीं कह रहे हो। जमाना ऐसा बदल गया, दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाके देखो, कहने को ये बाप और ये बेटा है, मगर सच्चाई ये होगी कि बेटा बाप नजर आएगा और बाप बेटा नजर आएगा। जमाना तेजी से बदल रहा है, रफ्तार से बदल रहा है, ये बदलाव का दौर है, ये बदलाव की प्रक्रिया है, ये बदलाव का दौर है और बदलाव के इस दौर में ऐसे ऐसे बदलाव भी देखने में आ रहे, परिवर्तन देखने में आ रहे हैं कि बाप कहने को बाप होता है मगर वो वहां बेटा नजर आता है और कहने को बेटा जो होता है वो बाप दिखाई देता है। मेरा कहा मानो तो बच्चों से लाड़ प्यार जरूर करो मगर उन्हें इतना लाड़ प्यार भी मत करो कि वो तुम्हारे सिर पे चढ़ जाए। नीतिकारों का कहना है, नीतिकारों का कहना है कि लाड़ प्यार करिए मगर उसके साथ अनुग्रह भी रखिए और निग्रह भी रखिए, अनुग्रह के साथ निग्रह जरूरी है, ताड़ना भी मिलना चाहिए, अगर ताड़ना ना मिली तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो एक बुढ़िया थी, उसके एक लड़की थी, बहुत लाड़ प्यार में पड़ी तो जिद्दी हो गई, ढीठ हो गई, उच्छृंखल हो गई, अहम और दम उसके हर व्यवहार में झलकता था। बड़ी हुई, सयानी हुई, मां को चिंता हुई, बेटी के हाथ पीले कर दो, और घर की लड़की बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए तो माँ बाप को तो बाद में चिंता होती है, पड़ोसी को पहले चिंता होती है कि भाई बेटी बड़ी हो रही है क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसी चिंता, ऐसी चिंता जताता है जैसे शादी में 50,000 रुपए लगाने वाला हो, देने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप को याद दिला दिला करके उसके रात की नींद खराब करना चाहता, उसको टेंशन में देना चाहता, उसको तनाव में देना चाहता, उसको डिप्रेशन में देना चाहता, इसलिए हर 5वें दिन 8वें दिन हर 15वें दिन याद दिलाएगा बेटी बड़ी हो रही और तेरे को कुछ ख्याल ही नहीं है। तो मां को चिंता हुई, चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो तो भजन कीर्तन कब करते हो। कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूं, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूं, भीतर भीतर सुमरण भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या?
है, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में बनते कपड़े बुनते रहते, जुलाए हो कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो, हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा, तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो। कबीर ने कहा, बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा, हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह है। कबीर ने कहा, एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, चार दिन ससुराल में रहती है, पांचवे दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ, वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, चार दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता, बताओ वो लड़की पियर में है मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान। और कई बार बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को जिद्दी बना देता है, उच्चंकल बना देता है, ढीठ बना देता है। पहले दो दो चार चार छह छह आठ आठ दस दस बच्चे होते थे तो बच्चों को बहुत लाड़ प्यार नहीं मिलता था, तो बिगड़ते भी नहीं थे। और अब एक ही, और उसको अगर छींक भी आ जाए तो पूरे हर घर में हंगामा मच जाता है। निवेदन किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए, ईमानदारी से इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक या दो बच्चे होते हैं, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार होता है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है, और इसकी वजह से वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उच्चंकल हो जाते हैं, और बाद में माँ बाप की नहीं सुनते। बाप को कहना पड़ता, मैं तेरा बाप कह रहा हूं, तो वो मुस्कुराता है सुन के, तो बाप ही तो कह रहे हो, कोई तोप तो नहीं कह रहे हो। जमाना ऐसा बदल गया, दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाके देखो, कहने को ये बाप और ये बेटा है, मगर सच्चाई ये होगी कि बेटा बाप नजर आएगा और बाप बेटा नजर आएगा। जमाना तेजी से बदल रहा है, रफ्तार से बदल रहा है, ये बदलाव का दौर है, ये बदलाव की प्रक्रिया है, ये बदलाव का दौर है, और बदलाव के इस दौर में ऐसे ऐसे बदलाव भी देखने में आ रहे, परिवर्तन देखने में आ रहे हैं कि बाप कहने को बाप होता है मगर वो वहां बेटा नजर आता है, और कहने को बेटा जो होता है वो बाप दिखाई देता है। मेरा कहा मानो तो बच्चों से लाड़ प्यार जरूर करो, मगर उन्हें इतना लाड़ प्यार भी मत करो कि वो तुम्हारे सिर पे चढ़ जाए। नीतिकारों का कहना है, नीतिकारों का कहना है कि लाड़ प्यार करिए मगर उसके साथ अनुग्रह भी रखिए और निग्रह भी रखिए, अनुग्रह के साथ निग्रह जरूरी है, ताड़ना भी मिलना चाहिए, अगर ताड़ना ना मिली तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक लड़की थी, बहुत लाड़ प्यार में पड़ी तो जिद्दी हो गई, ढीठ हो गई, उच्चंकल हो गई, अहम और दम उसके हर व्यवहार में झलकता था। बड़ी हुई, सयानी हुई, मां को चिंता हुई, बेटी के हाथ पीले कर दो, और घर की लड़की बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए, तो माँ बाप को तो बाद में चिंता होती है, पड़ोसी को पहले चिंता होती है कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसी चिंता है, ऐसी चिंता जताता है जैसे शादी में 5-50 हजार रुपए लगाने वाला हो, देने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप को याद दिला दिला करके उसके रात की नींद खराब करना चाहता, उसको टेंशन में देना चाहता, उसको तनाव में देना चाहता, उसको डिप्रेशन में देना चाहता, इसलिए हर 5वें दिन 8वें दिन हर 15वें दिन याद दिलाएगा, बेटी बड़ी हो रही और तेरे को कुछ ख्याल ही नहीं है। तो
तो माँ को चिंता हुई, चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो? कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूं, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूं, भीतर भीतर सुमरण भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ये सभी हो सकता है क्या? है मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में बनते कपड़े बुनते रहते, जुलाए हो कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो, हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा, तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो? कबीर ने कहा बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह। कबीर ने कहा एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, चार दिन ससुराल में रहती है, पांचवे दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, चार दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता बताओ वो लड़की पियर में है मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान कहाँ है? उधार लेकर के, ऋण लेकर के झूठी शान शौकत दिखाने की कोशिश मत करना। और आदमी यही कर रहा, आज आमदनी अठन्नी की ओर, बोलो बोलो, रुपया खर्चा रुपया, अब क्या होगा मेरे भैया? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अगर अगर चादर छोटी हो और पैर लंबे हो तो क्या करना चाहिए? चादर चादर छोटी हो पैर लंबे हो तो क्या करना चाहिए? कौन बोला पैरों को काट देना चाहिए? एक सवाल, अगर चादर छोटी हो पैर लंबे हो क्या करना चाहिए? समझदार लोग कहेंगे पैरों को सिकोड़ लेना चाहिए। यही बात तो तरुण सागर सत्संग में आने वाले भाइयों से, माताओं बहनों से कहते हैं, पुण्य की चादर बहुत छोटी है, पुण्य की चादर जो चाहो वो नहीं मिलेगा, इतना पुण्य नहीं है हमारा आपका, जितना चाहो उतना नहीं मिलेगा, इतना पुण्य नहीं है हमारा आपका, जब चाहो तब नहीं मिलेगा, इतना पुण्य नहीं है हमारा आपका। अरे चक्रवर्ती का पुण्य होता है वो जब चाहता है, जितना चाहता है, जैसे चाहता है उसको मिल जाता है, पर हम चक्रवर्ती नहीं है, हम चक्रवर्ती नहीं है, हम चक्रवर्ती नहीं है। इसके बाद भी हम अपने आप को चक्रवर्ती का बाप समझते हैं, चक्रवर्ती के चपरासी जैसी भी हमारी हैसियत नहीं है, चक्रवर्ती के चपरासी जैसी भी हमारी हैसियत नहीं है। इसके बाद भी हम अपने आप को चक्रवर्ती का बाप समझते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पुण्य की चादर छोटी है इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित करो, बस स्वर्ग तुम्हारे जीवन में उतर आएगा, तुम्हें किसी स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुण्य की चादर बहुत छोटी है इसलिए इच्छाओं को सीमित करो। इच्छाओं का क्या, दो इच्छाएं पूरी होती है चार इच्छाएं नहीं पैदा हो जाती, दो कामना पूरी होती है चार नहीं कामना पैदा हो जाती है। मुल्ला नसरुद्दीन बंबई जा रहा था, गांव के लोगों ने कहा देख तू बंबई जा रहा है, बंबई बहुत खतरनाक जगह है, वहां अच्छे अच्छे लोगों को बेवकूफ बना देते हैं।
मुल्ला ने कहा कि तुम मुझे क्या करना चाहिए, बोले करना क्या चाहिए, वहां तू दुकान पे कुछ भी लेने के लिए जाए तो वहां हर चीज के दुगने भाव बताते हैं, बस ध्यान रखने का। हर चीज के बम्बई में हर चीज के दुगने भाव बताते हैं, ये ध्यान रखना, सोच समझ के कुछ चीज लेना, हर चीज के दुगने भाव बताते। बोले ठीक है, आपकी बात ध्यान रखूंगा। बम्बई गया, खाया खाया पिया घूमा फिरा, चार दिन बाद अपने घर की याद आई, घर चलने के लिए बरसात का मौसम था, बोले चलो एक छाता लेके चलते बम्बई आए, कुछ निशानी तो ले जाना पड़ेगी ना, बम्बई आए निशानी लेके चलेंगे ना तो याद रहेगा ना बम्बई के। छाता के लिए दुकान पर पहुंचा और बोला भाई साहब छाता मिलेगा क्या? मिलेगा। कितने में दोगे? 100 रुपए में। उसको याद आया हर चीज के दुगने भाव बताते। उसने कहा 50 में देना है। 50 में दोगे क्या? दुकानदार बोला 50 में। पर दुकानदार बोला ठीक है भाई 50 रुपए में दे, देखो छाता आता नहीं है, ऐसा करो 40 रुपए 80 रुपए में ले लो। 80 रुपए तुम पहले ग्राहक हो, बोनी खराब ना हो, इसीलिए तुमको ये 80 रुपए में देते हैं। मुल्ला बोला 40 में देना हो तो बात करो। हर चीज के दुगने बाप। दुकानदार बोला देखो भाई, ना तुम्हारी रही ना मेरी रही, ना तुम्हारी रही ना मेरी रही, 60 रुपए में छाता तुम्हारा पक्का। मुल्ला बोला 30 में देना हो तो बात बोलने का। अब तो दुकानदार छुड़ गया, कमाल का ग्राहक है, मैं 60 रुपए बोल रहा हूँ तो 30 रुपए बोलता है, वो छुड़ गया। आखिर में उसने बोला फ्री में ले जाओ फ्री में। मुल्ला बोला मिया फिर तो 2 देना पड़ेगा। इच्छाएं ऐसी होती है, बढ़ती जाती है। 100 में मिल रहा था तो 50 में मांग रहा था, 80 में मिल रहा था तो 40 में मांग रहा था, 30 में मिल रहा था, 60 में मिल रहा था तो 30 में मांगने लगा, फ्री में मिल रहा था तो। इच्छाएं ऐसी होती है, पुण्य की चादर छोटी है, इसलिए इच्छाओं को समेटो, इच्छाओं को नियंत्रण में लाओ, इच्छाओं को कंट्रोल में लाओ। जो चाहो वो नहीं मिलेगा, जितना चाहो उतना नहीं मिलेगा, जब चाहो तब नहीं मिलेगा। अगर आदमी मानसिक रूप से तैयार रहे कोई तकलीफ नहीं, अगर आदमी परिस्थिति के अनुरूप अपनी मना स्थिति बना ले तो उसे कोई दुखी नहीं कर सकता है। परिस्थिति के अनुरूप अपनी मना स्थिति निवेदन किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए, ईमानदारी से इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक या दो बच्चे होते हैं, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार होता है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है और इसकी वजह से वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं और बाद में माँ बाप की नहीं सुनते। बाप को कहना पड़ता मैं तेरा बाप कह रहा हूं, वो मुस्कुराता है सुन के, तो बाप ही तो कह रहे हो, कोई तोप तो नहीं कह रहे हो। जमाना ऐसा बदल गया, दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाके देखो, कहने को ये बाप और ये बेटा है, मगर सच्चाई ये होगी कि बेटा बाप नजर आएगा और बाप बेटा नजर आएगा। जमाना तेजी से बदल रहा है, रफ्तार से बदल रहा है, ये बदलाव का दौर है, ये बदलाव की प्रक्रिया है, ये बदलाव का दौर है और बदलाव के इस दौर में ऐसे ऐसे बदलाव भी देखने में आ रहे, परिवर्तन देखने में आ रहे हैं कि बाप कहने को बाप होता है मगर वो वहां बेटा नजर आता है और कहने को बेटा जो होता है वो बाप दिखाई देता है। मेरा कहा मानो तो बच्चों से लाड़ प्यार जरूर करो मगर उन्हें इतना लाड़ प्यार भी मत करो कि वो तुम्हारे सिर पे चढ़ जाए। नीतिकारों का कहना है कि लाड़ प्यार करिए मगर उसके साथ अनुग्रह भी रखिए और निग्रह भी रखिए। अनुग्रह के साथ निग्रह जरूरी है, ताड़ना भी मिलना चाहिए, अगर ताड़ना ना मिली तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो
एक बुढ़िया थी, उसके एक लड़की थी, बहुत लाड़ प्यार में पड़ी तो जिद्दी हो गई, ढीठ हो गई, उच्चंकल हो गई, अहम और दम उसके हर व्यवहार में झलकता था। बड़ी हुई, सयानी हुई, मां को चिंता हुई, बेटी के हाथ पीले कर दू, और घर की लड़की बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए तो माँ बाप को तो बाद में चिंता होती है, पड़ोसी को पहले चिंता होती है कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसी चिंता, ऐसी चिंता जताता है जैसे शादी में 5-50 हजार रुपए लगाने वाला, देने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप को याद दिला दिला करके उसके रात की नींद खराब करना चाहता, उसको टेंशन में देना चाहता, उसको तनाव में देना चाहता, उसको डिप्रेशन में देना चाहता, इसलिए हर 5वें दिन, 8वें दिन, हर 15वें दिन वो याद दिलाएगा, बेटी बड़ी हो रही और तेरे को कुछ ख्याल ही नहीं है। तो मां को चिंता हुई, चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीर दास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो। कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूं, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूं, भीतर भीतर सुमरण भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या है, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में बनते कपड़े बुनते रहते, जुलाए हो कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो, हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा, सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जब नहीं देखा, तब करते नहीं देखा, तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो। कबीर ने कहा बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह है। कबीर ने कहा एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं, बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, 4 दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता बताओ वो लड़की पियर में है मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान